फ्रेंड्स, दिस इज सतेंद्र। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा था। और आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स निगमन विधि पर होगा। अगर आप लोग बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को आपकी टीचिंग विधियाँ पढ़ा रहा था, आप लोगों को शिक्षण विधियाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और शिक्षण विधियों में दो भागों में बांटा था अपन ने, एक होती है छात्र केंद्रित और एक होती है आपकी शिक्षक केंद्रित। एक होती है टीचर सेंटर्ड और एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड पे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं तो प्रीवियस जाके जरूर देखिए एक बार। और ये जो आज का लेक्चर जो है हमारा निगमन विधि, जिसे डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, ये है आपकी एक छात्र केंद्रित विधि या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का मैंने आपको अर्थ बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड का अर्थ ये होता है कि केंद्र में आपका कौन है, बालक है, यानी कि साइड में जो होगा एक असिस्टेंस की भूमिका या एक सहायक की भूमिका या फैसिलिटर की भूमिका शिक्षक निभाएगा। सेंटर में आपका बालक होगा, छात्र को कक्षा में अपनी गतिविधियां करने के लिए वह बालक स्वतंत्र होगा, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक प्रकार का होगा, सभी को बोलने की आज़ादी होगी, धर्म, जाति, लिंग इस तरीके के भेदभाव नहीं किए जाते, शिक्षक जो होता है ना बालक को इंडिपेंडेंट कर देगा और बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, लर्निंग बाय डूइंग के तहत अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करता है खोज के द्वारा, ठीक है। यह होता है आपका छात्र केंद्रित विधियों में या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में। और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में ही आपका लेक्चर है डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, निगमन विधि से पहले एक शब्द आता है आगमन विधि, ठीक है। और आगमन विधि पर मैंने अपना लेक्चर बना रखा है तो एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो से पहले। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, देखिएगा निगमन विधि जो है आपकी, उसके फाउंडर कौन है आपके, अरस्तु माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखिएगा पहला पॉइंट मैंने बोला अरस्तु है इसके फाउंडर। सेकेंड पॉइंट ये है कि यह विधि जो होती है निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है, जबकि आगमन उल्टा होती थी, उदाहरण से नियम चलती थी। अब नियम से उदाहरण का अर्थ क्या हो गया यहां पर, नियम को सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या सामान्य भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। टीचर कक्षा में बालकों को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम या आइंस्टीन का जो नियम है वो समझा देगा कि न्यूटन ने बल या गति के तीन नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। क्या नियम थे आपके, यदि कोई विराम में है तो विराम में ही रहेगी, क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम बताया था। शिक्षक बालकों को कक्षा में नियम बताएगा और बाद में वो जो नियम बताए हैं उनका प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है। यानी कि पहले निगमन विधि में नियम बता दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने सुने हैं, यदि कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे ही आती है ग्रेविटी के कारण, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कुछ भी फेंकते हो वो नीचे ही आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, न्यूटन के। अब कक्षा में शिक्षक ने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बता दिया कक्षा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नियम बताए हैं उनकी पुष्टिकरण की जाएगी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निगमन विधि में, क्या जो नियम बताया है वो सही है कि नहीं। अब कैसे करते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बोलूँ कि चार बालक हैं आपके सामने, ए बी सी डी, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और कक्षा में छात्रों को, इन चार बालकों को टीचर ने बताया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है कि अगर बॉल को ऊपर फेंकी जाए तो वो बॉल क्या होती है, नीचे आती है, ये नियम बता दिया। अब ये चार बालक इस नियम को सत्यापित करने के लिए ग्राउंड में आते हैं और चारों लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉल लेते हैं और बॉल को ऊपर फेंकते हैं। अब जब पहले ए ने फेंका, बॉल जो ऊपर गई वो नीचे आई, बी ने ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, सी ने ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई, डी ने ऊपर फेंका, बॉल नीचे आई। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक ही आंसर प्राप्त हो रहा है कि सभी की बॉल नीचे आ रही है, जबकि आगमन विधि में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट उत्तर देखने को मिलते थे किसी एक विषय वस्तु पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर क्या हो रहा है निगमन विधि में, सभी के आंसर क्या हो रहा है, सभी बोल रहे हैं कि बॉल उनकी नीचे आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि निगमन विधि, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा अभी बताता हूँ, हाँ यहाँ पर निगमन विधि अभिसारी चिंतन पे काम करती है, ठीक है। अब अभिसारी चिंतन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जब पेपर देते हो एसएससी का कि कोई भी अदर, तो चार ऑप्शन लिखे रहते हैं ए बी सी डी, सही कितने होते हैं एक। जब किसी प्रश्न का एक उत्तर प्राप्त हो या बहुत सारे आंसर प्राप्त ना हो, एक आंसर मिले, तो वो चिंतन आपका कहलाता है अभिसारी चिंतन। इसको क्लोज या गेट क्लोज की भांति व्यवहार करते हैं, गेट क्लोज है। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर एक उत्तर देखने को मिल रहा है, जबकि आगमन विधि में एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर देखने को मिलते हैं, इसलिए वो ओपन एंडेड होती है और ये क्लोज एंडेड होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करें ए सही या बी सही या सी सही, एक आंसर मिलता है। जब किसी प्रश्न का एक उत्तर प्राप्त हो तो ऐसे चिंतन को हम लोग अभिसारी चिंतन कहते हैं, और अभिसारी चिंतन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और निगमन विधि में अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है, जबकि आगमन में अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज की जाती है। क्रिएटिव, बहुत सारे उत्तर देखने को मिलते हैं किसी विषय वस्तु को लेकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। अब मैं आपसे बोलूँगा कि जो निगमन विधि है वो मेमोरी लेवल पर कार्य करती है। किस प्रकार करती है? मेमोरी लेवल पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियम बता दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक कुछ जानकारी मैंने आपको दी। अब हम लोग आपको, मैं आपको कुछ बातें बोलता हूँ, देखिएगा। सिंपल मैंने आपसे बोला नियम से उदाहरण, जबकि आगमन विधि क्या होती है आपकी, उदाहरण से नियम चलती है। अब एक बात बताइएगा, मैं आपसे बोलूँ आपको उदाहरण कठिन लगते हैं कि सरल लगते हैं? मेरा अनुभव ये कहता है कि आप बोलोगे कि उदाहरण सरल लगते हैं, इसीलिए तो अपन ने बोला था कि आगमन विधि सरल से जटिल की ओर चलती है। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, जटिल से सरल। तो निगमन विधि आपकी जो होगी वो जटिल से सरल की ओर चलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियम का पुष्टिकरण किया जाता है, आपको उदाहरण जल्दी समझ में आते हैं, इसीलिए तो अपन ने आगमन में बोला था कि उदाहरण से नियम या सरल से जटिल, जबकि निगमन में क्या हो जाएगा आपका, जटिल से सरल। जितने भी पॉइंट हम लोग आगमन विधि में पढ़ते हैं, क्या स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्म से जो कुछ भी बोले, उसको हम लोग रिवर्स कर दो तो जितने पॉइंट होंगे वो निगमन विधि के बन जाते हैं आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं इसलिए, क्योंकि आप एक बार जरूर प्रीवियस वाला लेक्चर आगमन विधि पर जरूर देखें, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक से जानकारी थी निगमन विधि पर, जिसे डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसको और समझते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा? देखिए, एक प्रिंसिपल पे जाएं तो आप लोगों ने जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, वो क्या है, सूत्र है, वो एक नियम है। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो नियम है, जो सूत्र है, वो नियम निगमन विधि की बात ही व्यवहार कर सकता है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जो है वो आगमन विधि की बात ही व्यवहार कर सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बोला है। दोनों ही विधियाँ छात्र केंद्रित है, दोनों ही विधियों में जो होता है आपका आपका टीचर सेंटर्ड में नहीं होता, बालक सेंटर्ड में होता है, और ये छात्र केंद्रित विधियों में हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम सतेंद्र है, अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जल्दी हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे, लेक्चर को और नेक्स्ट लेवल पर ले आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो मुझे प्रोवाइड करोगे वो भी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको मोटिवेट रखता हूँ। तो आप भी पुनर्बलन के लिए एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ताकि मेरा भी पुनर्बलन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट पे, करंट अफेयर पे बढ़ा सकूँ और EBS पर भी, ठीक है। मैं सतेंद्र, सामान्य अध्ययन और
चाइल्ड डेवलपमेंट पिछले 4 वर्ष से अधिक समय से पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ यूट्यूब पे स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।